याद रखें क्योंकि गौरा देवी के द्वारा इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता जो कही जाती है महिलाओं का अधिक से अधिक मतदान का तो गौरा देवी इस आंदोलन की महिला लीडर के रूप में जानी जाए क्योंकि आंदोलन में काफी सारे लोगों के द्वारा भाग लिया गया था, लेकिन कह सकते हैं कि एक मुख्य विशेषता ये थी कि इसमें महिलाओं के द्वारा वर्चस्व का हिस्सा लिया गया। और बात की जाए सुंदरलाल बहुगुणा की तो इसके द्वारा इसको प्रेरित किया गया, आगे की ओर इसको बढ़ाया गया। 26 तारीख को ये लोग सभी लोग आए तो उस टाइम पर काफी ज्यादा बहस हुई, लेकिन गौरा देवी जो है पेड़ों से आप लोग लिपट रही थी। इसी के आगामी वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा पेड़ों को राखियां भी बांधी गई थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आप लोगों का देखा जाए नादन भी उस टाइम पर वहां के सीएम हुआ करते थे। ओवरऑल मूवमेंट में आप लोगों का जो तीन लोगों को आपको जानना है, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। गौरा देवी इसीलिए जाना जाएंगी क्योंकि आपका सबसे ज्यादा महिलाओं के लीडरशिप या कह सकते हैं जिसके द्वारा इनको अप्रिशिएट किया गया, और इस आंदोलन की विशेषताओं में से एक माना जाता है कि महिलाओं के द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। सेकेंडली आप लोग को चंडी प्रसाद भट्ट जिनके द्वारा भी काफी ज्यादा इस मूवमेंट को फायर करने में आप लोगों का इनपुट दिया गया था, और इनको आपका रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1982 में, जो कि एशिया का नोबल कहा जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा की यदि बात की जाए तो 2009 में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा को इस मूवमेंट के बाद आप लोगों का एक फायर हिटिंडा हेडलाइंस में रहे, उसके बाद भी इनके द्वारा काफी सारे काम प्रकृति के क्षेत्र में किए गए जिनको आज हम डिस्कशन करेंगे। इनमें डिस्कशन करने में सबसे पहला जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों का ये है कि इनके द्वारा एक स्पेशल नारा दिया गया था जो आपको याद रखना है। ये नारा आप लोगों के सामने मौजूद है, धार एंच डाला बिजली बढ़ावा खाला खाला, धार एंच डाला बिगड़ी बढ़ावा बिजली बढ़ावा खाला खाला। ये आपको दिख रहा होगा धार एंच डाला बिजली बढ़ावा खाला खाला, ये आप लोगों का इनके द्वारा जो नारा दिया गया था। पूछा जा सकता है, सीधी बात है, क्योंकि ये एक महान व्यक्ति थे और इनकी मृत्यु से आपसे काफी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनके बारे में मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये उनका नारा था, आपको स्पेशल याद रखना है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या था कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए। यूके के इलाकों में क्या था उस टाइम पर ज्यादा बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, उन्होंने कहा ऊंचाई वाले स्थानों पर पेड़ लगाए जाए और नीचे जो लोग रहते हैं, क्योंकि यदि ऊपर हम लोग पेड़ ज्यादा लगाएंगे तो बारिश ज्यादा होगी, बारिश होगी तो काफी सारी परियोजनाएं आसानी से चल सकती हैं। लेकिन उनके द्वारा स्पष्ट बोला गया था छोटी छोटी परियोजनाएं, बड़ी परियोजनाओं की ओर उनका कोई भी ध्यान नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कहा था यदि बड़ी परियोजनाएं लगेंगी तो प्रकृति का क्षरण होगा, और यदि प्रकृति का क्षरण होता है तो मानव का विनाश आप लोगों का तय है, उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में इंगित किया गया था। पहली घटना ये है आप लोगों की, जिसमें आप लोगों को याद रखना है कि इनके द्वारा नारा दिया गया था धार एंड डाला बिजली बढ़ावा खाला खाला, यहाँ कोई समस्या आपको नहीं होगी। सेकेंड जो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप लोगों का देखा जाए 26 मार्च 1970 की घटना जो फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में उसी को जाना जाता है, लेकिन आप लोगों का देखा जाए कि 1974 में तो इसको एज अ मूवमेंट के द्वारा चला गया था, लेकिन 1981 के दौरान ये समस्त इलाके में आप लोगों का 1974 में पूरा भारत इनके साथ खड़ा हो गया था। लेकिन स्पेशली ये जो है गांधी जी से बहुत ज्यादा मोटिवेट थे, गांधी जी से प्रेरित इनके द्वारा जो है बायोग्राफीज भी उनकी जो है पढ़ी गई थी, और उस टाइम पर आप लोगों को देखा जाए कि जो है प्रधानमंत्री के पद पर फी नरसिंहा राव आप लोग के हुआ करते थे 1980-1983 के दौरान, जो आप लोगों का उस टाइम पर इस इलाके में जो समस्याएं हुआ करती थी इनका समाधान करने के लिए 81 से 83 के दौरान इनके द्वारा 74 दिनों का स्पेशली राजघाट तक पैदल यात्रा इनके द्वारा की गई थी, और अपने इलाकों में बांध के खिलाफ 45 दिनों के अनशन पर बैठे थे, जिस कारण से आप लोगों का क्या है बहुत ज्यादा जिस सुर्खियों में आप लोग के चले। और ये काम करने के बाद आप लोगों का पी नरसिम्हा जो आप लोगों के जो है पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा इनकी सारी बातें मानी गई। सबसे बड़ी बात तो ये आप लोगों की है, ये आप लोगों का दो बातें, तीसरा आप लोगों का टिहरी बांध, आप लोगों को पता होगा टिहरी बांध के खिलाफ भी काफी ज्यादा कानूनी जंग इनके द्वारा लड़ी गई, और इस जंग के लिए इनको 2001 में गिरफ्तार भी किया गया था। टिहरी बांध से भी इनका संबंध है जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट हो सकता है। यही आप लोगों का एक प्रमोद शर्मा जी हैं, इनका आप लोगों का हाल ही में जो है अखबार की कटिंग में आप लोगों के लेकर के आया हूं, जो कि आई थिंक जनसत्ता से अपडेटेड है। मैं आप लोगों के लिए हिंदी न्यूज़पेपर से रिलेटेड रेगुलर अपडेट रखूंगा, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये इम्पोर्टेंट आप लोगों का जनसत्ता से रिलेटेड एक ये प्रमोद शर्मा जी है, इनके द्वारा बोला गया है, ये युवा सत्ता स्वयंसेवी संस्था के फाउंडर है, उन्होंने कहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा
ये जो आप लोगों का, इनका जाना सिर्फ देश का, उत्तराखंड का या चंडीगढ़ के लिए नुकसान नहीं है, बल्कि उनका पूरे विश्व के लिए नुकसानदायक है। बहुगुणा की यदि बात की जाए तो जो भी आप लोग के काम किए वो पर्यावरण बचाव के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, इंसानियत भरे थे, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल इन्होंने सही ही कहा है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा इस महान व्यक्ति के लिए 2 मिनट की अपने मन में शांति रखें, क्योंकि इनसे संबंधित जो प्रश्न आएंगे जो शांति से आपके दिमाग में आ जाएं, और आप लोगों के अंदर भी थोड़ा सा इस तरीके का भाव आना चाहिए कि प्रकृति के प्रति कुछ प्रेम किया जाए, क्योंकि आप लोग मनुष्य हो। मनुष्य अपने आप से प्रेम करने के बाद धोखा कर सकता है और मनुष्य मनुष्य से धोखा कर सकता है, लेकिन एक बार आप प्रकृति से प्रेम करके देखो, प्रकृति ना ही आपको धोखा देगी और ना ही इसमें बेवफाई का आप लोगों को कुछ ऐसा सबूत मिलने वाला है। तो प्लीज मेरा कहो, एक बार प्रकृति को प्रेम करके देखो। इसी के साथ ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।